नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे अरवल जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। बिहार में पर्यटन के बारे में बताने के क्रम में आज हम आपको अरवल जिला लेकर चलते हैं। वैसे तो हमारा पूरा बिहार अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है, पर अरवल जिला का यह क्षेत्र खूबसूरत इतिहास को बयां करता है। बात करें इसके पर्यटन स्थलों की, तो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मधुश्रुवा आश्रम अरवल एवं देश का एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है और चैवन ऋषि का जन्म स्थल है। जन ऋषि और पुराणों में इसका महत्व दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल पर अवस्थित बाबा मधेश्वर नाथ की पूजा भगवान राम द्वारा गाय पिंड दान करने के क्रम में की गई थी। यहां पर पूरे बिहार में दो स्थान पर लगने वाला मलमास मेला, जो कि प्रत्येक 3 वर्ष पर लग जाता है, राजगीर के बाद यहीं लगता है, जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग आकर भगवान मधेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर अपनी मंगल कामना की इच्छा करते हैं। अध्यात्म के झूठ और फरेब के बेनकाब होने का प्रमाण देना सोन तट पर मखदूम शाह का मजार भी अरवल का एक धार्मिक पर्यटन स्थल माना जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी हस्ती के द्वारा चादर चढ़ाया जा चुका है। ये भी कहा जाता है कि सोन नदी में पारस पत्थर था, जिसे छूते ही लोहा सोना बन जाता है, और इसी तरह यहाँ पर रह रहे लोग अपनी जीविका अर्जित करते हैं। यहाँ की प्रचलित दिलचस्प कथा के अनुसार ये लोग उपासना कर रहे मखदूम साहब के पास जीवित आदमी को मुर्दा बनाकर ले जाते हैं और उन्हें कलमा पढ़ने को बोलते हैं। वे बिना उनकी चाल समझे कलमा पढ़ देते हैं। उसके बाद कफन से धक्का आदमी और बाकी सभी आदमी उनका मजाक उड़ाते हैं, परेशान करते हैं। इसी तरह कई बार परेशान करने के बाद एक दिन का वाकया ये रहा, उन्होंने कलमा पढ़ दी और जीवित आदमी स्वर्ग को सिधार गया। अब बारी आती है लारी गांव, जिसमें सती नगरी भी कहा जाता है, और वहां स्थित सती मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण उस गांव की एक महिला सोनमती, जो अपने पति के शव के साथ सती हो गई थी, उसकी वजह से हुआ। तब से आज तक ये मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। अब बात करते हैं पंच तीर्थ धाम की। पंच तीर्थ धाम का पुराण धार्मिक महत्व है। बापू पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में इसका जिक्र है। माना जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की थी। यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इस धाम पर खासकर चैत्र में और कार्तिक छठ व्रत के दौरान हजारों श्रद्धालु पूरी तन्मयता की सूर्य की उपासना करते हैं। अगला है बेलसार सूर्य मंदिर, जो सोन नहर के तट पर स्थित है। आज से करीब 22-23 साल पहले ये मंदिर जिले के बेहतर मंदिरों में शुमार था। इस मंदिर की चर्चा लोग मनोकामना मंदिर के रूप में करते थे। अगर आपको यहाँ जाना है तो रविवार को जाइए, क्योंकि इस दिन यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा यहाँ गौतम बुद्ध की मंदिर है। खंगाटी सूर्य मंदिर, जिसमें स्थापित भगवान भास्कर की प्रतिमा मौर्य कालीन है और प्रतिमा पूर्णतः काला पत्थर से निर्मित है। फिर से फकरपुर मंदिर, जो फखरपुर पंचायत में स्थित है, तथा अग्नूर जल विद्युत परियोजना भी एक बेहतर पर्यटन स्थल मानी जाती है। बिहार के जिलेवार पर्यटन स्थलों को बताने के क्रम में हम दूसरे जिले को अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। अगर आप इस जिले में रहते हैं या आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया हो, तो आपके अनुसार सबसे मशहूर चीज यहाँ की कौन सी है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए और बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।